हेलेन बेल्ट्राचे, वुल्फगैंग बेल्ट्राचे की पत्नी ने बताया कि उसे वुल्फगैंग के सीक्रेट करियर के बारे में उनके रिलेशनशिप के पहले या दूसरे दिन ही पता चल गया था। वो दोनों उस वक्त वुल्फगैंग घर पर थे, तो वहां हेलेन ने 20th सेंचुरी के कई प्रसिद्ध फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को दीवारों पर टंगे हुए देखा। उन्हें देखकर हेलेन ने पूछा कि क्या ये सारी पेंटिंग्स रियल है? तो वुल्फगैंग ने कहा कि वो सारी पेंटिंग्स उसकी है, उसने खुद उन्हें बनाया है। और हेलेन ने बिना किसी झिझक के कहा कि मतलब तुम नकली पेंटिंग्स बनाते हो? तो वुल्फगैंग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, एग्जैक्टली, ये सब मेरा काम है। वुल्फगैंग के इलीगल बिजनेस के रेवलेशन के तुरंत बाद वुल्फगैंग ने हेलेन को अपना पार्टनर बनने के लिए कहा। ये 1992 साल था और 3 साल के आर्ट मार्केट के ठहराव के बाद कीमतें फिर से बढ़ रही थी। वुल्फगैंग ने मौके का फायदा उठाने की सोचा और कुछ नकली सामान बेचने का फैसला किया, और उसके लिए उसे अपने पुराने साथी शोल्ड केलिंग हॉस, जिसके साथ पहले बिजनेस मैटर्स की अनबन को हटाकर एक नई शुरुआत करने की जरूरत थी। और क्योंकि वुल्फगैंग के पास अब एक और पार्टनर यानी हेलेन थी, तो उसने पहले अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वो काम करना चाहती है। हेलेन अचानक ये सवाल सुनकर समझ नहीं पाती कि वो आर्ट स्कैम में क्या काम करना चाहेगी। इसीलिए हेलेन ने इसके बारे में सोचने के लिए वुल्फगैंग से कुछ वक्त मांगा, और कुछ सोचने के बाद हेलेन जानती थी कि वो जो करने वाली थी वो बेशक एक क्राइम था, लेकिन फिर भी उसने वुल्फगैंग को हाँ कर दी। उसके तुरंत बाद उसने कोलोन सिटी, जिसे अब कोलोनिया सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें एक हाई एंड ऑक्शन हाउस लैम्पर्ट्स को इन्फॉर्म किया कि उसके पास 20th सेंचुरी के फेमस फ्रेंच क्यूबिस्ट जॉर्ज वॉलमियर की बनाई पेंटिंग बेचने के लिए अवेलेबल थी। दीवार पर वुल्फगैंग की बनाई पेंटिंग लटकी हुई थी और लैम्पर्ट्स ने अपने एक्सपर्ट्स को वहां जांच करने के लिए भेज दिया। एक्सपर्ट ने कुछ मिनटों के लिए पेंटिंग को देखा और कहा कि यह पेंटिंग कमाल की है, और इसके बाद डायरेक्टली उसने पूछा कि हेलेन उस पेंटिंग के लिए कितने पैसे चाहती है, और दोनों के बीच डच करेंसी के 20,000 के अमाउंट की डील हो गई। हालांकि ये एक मामूली कीमत थी, लेकिन जैसे जैसे आर्ट मार्केट गर्म हुआ, बेल्ट्राचेस ने वॉलमियर की पेंटिंग के प्राइस में इंक्रीमेंट देखा। कुछ साल बाद वो पेंटिंग न्यूयॉर्क में एक ऑक्शन में $1 मिलियन में बिकी। हेलेन को ये डार्क साइड में काम करना काफी एक्साइटिंग लग रहा था, और अब वो काम करने के लिए और बेताब हो रही थी। हेलेन बताती भी है कि पहली बार ये एक फिल्म में होने जैसा था, जैसे इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस एक आर्ट डीलर की एक्टिंग कर रही थी। हेलेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऑक्शन हाउस को पागल बनाना कितना आसान था। आमतौर पर कोई भी इंसान सोचता होगा कि एक्सपर्ट्स पेंटिंग को स्टडी करेंगे और इसके रियल होने के प्रूफ्स की तलाश ही करेंगे, लेकिन असलियत में एक्सपर्ट ने हेलेन से 2 या 3 सवाल पूछे और 10 मिनट के अंदर अंदर वो एक्सपर्ट एक नकली पेंटिंग की बड़ी कीमत हेलेन को दे गए। फेक पेंटिंग्स को बेचकर अमीर लोगों को लूटने से हेलेन की एक्साइटमेंट बढ़ती गई, और जिसके साथ साथ उसके तौर तरीके भी अपग्रेड होते चले गए। 3 साल बाद हेलेन ने आर्ट की दुनिया को एक कलेक्शन से इंट्रोड्यूस कराया, जिसका उसने दावा किया कि वो अपने हाल ही में मरे इंडस्ट्रियलिस्ट दादा वर्नर जैगस से विरासत में मिली थी। वर्मर बेल्जियम में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कोलोन में अपना जीवन बनाया था। वर्नर असल में हेलेन के दादा थे, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी दादी को छोड़ दिया था। 1992 में 80 साल की उम्र में उनकी मौत से कुछ समय पहले उनके साथ उनकी केवल एक ही छोटी सी मुलाकात हो पाई थी। हेलेन ने गैलरी के मालिकों और कलेक्टरों को जो कहानी सुनाई वो थी कि वर्नर के दोस्तों में से एक था अल्फ्रेड फ्लेचथाइम, जो 1920s और 1930s में एक फेमस ज्यूइश आर्ट डीलर और कलेक्टर था। 1933 में एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने के महीनों बाद अल्फ्रेड पेरिस में भाग गया, और नाजीस के डिसेल्ड्रोफ और बर्लिन में उनकी सारी आर्ट गैलरीज को जब्त कर लिया। लेकिन इससे पहले हेलेन की कहानी के मुताबिक अल्फ्रेड ने वर्नर को अपनी कई काम बेच दिए थे, और वर्मर ने उन पेंटिंग्स को अपनी कंट्री वाले घर में कोलोन के पास आइफल पहाड़ों में छिपा दिया, जो नाजी की लूट से बिल्कुल सेफ था। लेकिन अगर आप सच्चाई की बात करें तो हालांकि वर्नर और अल्फ्रेड कोलोन में प्री वॉर पड़ोसी थे, लेकिन उनके रास्ते कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। वर्नर अल्फ्रेड से 34 ईयर्स छोटे थे, और हेलेन की कहानी के हिसाब से जब वर्नर ने अपनी आर्ट कलेक्शन को इकट्ठा किया तब वो बस अपनी टीनेज ईयर्स से बाहर ही निकला होगा। इसके अलावा हेलेन के अनुसार वर्नर
साल 1930 में नाजी पार्टी का मेंबर भी था, जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल था कि उसका एक ज्यूइश आर्ट डीलर और कलेक्टर एक अच्छा दोस्त था। लेकिन आर्ट वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स ने इन डिटेल्स पर कभी सवाल ही नहीं उठाया था। हेलन ने बताया कि कैसे उसे ऑन द स्पॉट एक फेक स्टोरी बनानी पड़ी जब क्रिस्टी ऑक्शन हाउस के एक्सपर्ट्स ने हेनरिच कैंपेनडॉक की बनाई गर्ल विद स्वान के पर्पस बताने के लिए कहा। हेलन के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन वर्ना जैगर्स की कहानी चल सकती थी क्योंकि उसके दादाजी का कोलोन में अपना बिजनेस था और अल्फ्रेड की कोलोन में एक गैलरी थी। हेलन के दादाजी क्रेफोल में रहते थे और अल्फ्रेड भी वहीं रहता था, इसीलिए हेलन इन दोनों को जोड़कर आसानी से कह सकती थी कि वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और उसकी कहानी को और विश्वास के लायक बनाने के लिए वुल्फगैंग ने एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बनाई जिसमें हेलन की दादी जोसेफिन जैगर्स को दिखाया गया था। एक काले रंग की कॉस्ट्यूम और मोतियों की माला पहने हुए जोसेफिन ने जैगर्स कलेक्शन के सामने पोज दिया। 1995 में पास्ट क्राइम्स ने वुल्फगैंग बेल्ट्रॉची के गोल्डन फ्यूचर में खलल डाली, जैसा कि बाद में जर्मन न्यूज़पेपर मैगजीन डेयर स्पाइगल में रिपोर्ट किया गया था कि म्यूनिक में एक मोलजान की पेंटिंग के खरीदार द्वारा शुरू की गई एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया था कि वो पेंटिंग और दो और पेंटिंग्स नकली थी, जिनमें से एक जिसे लीनियर कलर कॉम्पोजिशन कहा जाता है, माना जाता है कि इसे 1920 में शुरुआत में पेंट किया गया था, लेकिन उसमें कलर्स ऐसे यूज़ किए गए थे जिनका इन्वेंशन ही 1957 में हुआ था। पुलिस को डाउट था कि बेल्ट्रॉची और केलिंगहॉर्स उन फ्रॉड पेंटिंग्स को बेचने में शामिल थे, लेकिन क्योंकि लिमिटेशन लॉ के 5 साल की लिमिट खत्म हो गई थी तो वो उन्हें केवल इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल विटनेस के रूप में ही बुला सकते थे, और वो भी वो इन्वेस्टिगेशन जो कि बर्लिन के आर्ट डीलर पर फोकस थी जिसने फर्जी मोलजान्स की सेल को संभाला था। साल 1996 के बीच में पुलिस केलिंगहॉर्स को पूछताछ के लिए लाई और बेल्ट्रॉची की तलाश भी शुरू कर दी। उस जुलाई में बेल्ट्रॉचिस ने अपने घर जो वायरसन में था उसे अचानक 1.7 मिलियन में बेच दिया। उस पैसे से एक कैंपर वैन खरीद ली जिसके इंटीरियर को उन्होंने पिंक कलर से रीपेंट किया और स्पेन के लिए निकल पड़े। स्पेन के बाद फिर वो लोग फ्रांस के साउथ में भी घूमने गए। सालों बाद वुल्फगैंग ने दावा किया कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उस समय वुल्फगैंग और हेलन की 2 साल की बेटी फ्रांसिस्का बीमार थी और उसे एटमॉस्फेयर बदलने की जरूरत थी। जहां सब लोगों का मानना था कि बेल्ट्रॉचिस भाग गए थे, वुल्फगैंग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो लोग भाग नहीं रहे थे। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने अपने फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में शायद किसी को इन्फॉर्म नहीं किया होगा, क्योंकि वायरसन में एक पड़ोसी ने पुलिस को केवल इतना बताया कि बेल्ट्रॉचिस दुनिया भर में घूमने गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पूरी दुनिया में कहां कहां वो लोग घूमने जाने वाले थे। जहां तक जर्मन पुलिस को समझ आ रहा था, वो या तो बेल्ट्रॉचिस अचानक से गायब हो गया या फिर वो कहीं किसी मुश्किल में है। तो क्या पकड़े जाएंगे बेल्ट्रॉचिस या नहीं, ये सब हम जान पाएंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो क्रिमिनल्स की कहानी और ये हेरा फेरी की कहानी जो पैसों के साथ आर्ट के साथ हो रही है, ऐसी ही कोई कहानी देखने में बड़ा मजा आएगा अगर ऐसी कहानी हमें हेरा फेरी 3 में देखने को मिल जाए। तो मैं तो बहुत इंतजार कर रही हूँ हेरा फेरी पार्ट 3 का। आप भी अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।